एबीसी इंस्टीट्यूट में आप देख रहे होंगे, अभी हमारे जो स्टूडेंट्स हैं ये स्प्लिट एसी को इंस्टॉल कर रहे हैं। माउंटिंग प्लेट कैसे लगाते हैं प्रोफेशनल तरीके के साथ, ये आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इन्होंने अभी क्या करा, अपनी क्या कहते हैं लेवल करके, लेवल दिखाओ एक बार साइन, लेवल करके इन्होंने वो लगाओ मोबाइल, इन्होंने लेवल करके देखेंगे अभी आपको दिखाएंगा, एकदम जीरो लेवल करके और थोड़ा सा लगा के ना, थोड़ी सी साइड में होकर दिखाना कि एकदम जीरो पे, मतलब ये लेवल आपका एकदम परफेक्ट है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप मोबाइल के थ्रू भी आप चेक कर सकते हो लेवल अपना। आपको ये नहीं है कि ज़रूरी आप स्प्लिट लेवल आपको अरेंज करना है, आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन आ गई है मेजरिंग करके, उससे आप मेजर करके लगा सकते हो, प्रॉपर ये काम करती है। तो उन्हें लेवल करके इन्होंने मार्किंग कर दी है, आप हटाओ माउंटिंग प्लेट को, जैसे दिख रहा होगा इन्होंने मार्किंग कर दी है। मिनिमम 9 स्क्रू लगाने हैं आपने, मिनिमम 9 स्क्रू लगाने। सबसे पहले क्या करेंगे, मिडल स्क्रू लगाएंगे। तो जहाँ पे आपने होल किया है साइन, वहाँ पे आपको पहले पंचिंग करनी, क्या करनी है पंचिंग। हाँ, एक स्क्रू लो और एक हैमर लो, हल्का सा उस पर हैमर करके होल करना है, मतलब पंचिंग करनी है। हैमर दो, वो ब्लू वाले बॉक्स में होगा। हाँ, तो देखो कि ये पंचिंग करके, अंकित थोड़ा सा साइड हो गए, बस 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 आप देख रहे, ठीक है, थोड़ा सा लेवल सर छोटा कर लो। हाँ भैया, ऐसे रखना। तो इन्होंने पंचिंग करके होल कर लिया। अब इसके बाद आपने मशीन को रखना है फाइन मोड पे। पहले स्क्रू जो लगाने जा रहे हो वो स्क्रू की लेंथ देखो कितनी है, देखो अब ये स्क्रू की लेंथ नापेंगे और टेप के, टेप से ये मेजर करके वहाँ पे टेप कर देंगे, ताकि जो आपका होल है वो एक्यूरेट हो। ये लो जी, इससे आपको मार्किंग मिल जाएगी। वैसे मार्केट में मेजरिंग रोड भी मिलती हैं ऐसी, जिससे आप मेजर कर सकते हो। वो रोड से क्या आपको होगा कि वो रोड आपको ज़्यादा होल करने नहीं देगी, वो स्टॉप कर देगी वहीं पे, एक्सिस होल नहीं होगा उससे। देखो इन्हें दिखाओ, इन्होंने मार्किंग कर ली है अपने स्क्रू के अकॉर्डिंग। तो हाँ, ये होल में मार्किंग कर ली है, अब ये होल करेंगे। चलो भाई, सबसे पहले मिडल स्क्रू में होल करना। फाइन मोड पे है मशीन, फाइन मोड पे है मशीन, चलाओ एक बारी, चलाओ। हाँ, फाइन मोड पे, चलो ठीक है, हल्का सा एकदम स्ट्रेट रख के होल करना है। हाँ, बस बस बस, अब जब मशीन बंद हो जाएगी तो उसके हैमरिंग मोड पे कन्वर्ट करो। हाँ, अब एक बार चलाओ पहले मशीन, चलती मशीन अंदर लेके जानी है, मतलब जो बिट है ना, बिट चलते हुए लेके जाना अंदर। हाँ, तो उतना होल हो गया जितना ने मार्किंग करी थी, पूरा लगा के दिखाओ एक बार फिर ज़रा। गिट्टी लगाओ, गिट्टी हुडल लगाओ, तो ये हुडल लगाएंगे और उसके बाद उसके ऊपर हैमर से इसको अंदर सेट करेंगे। होडल बड़ी है लगता है, अगर नहीं जा रहा तो होडल बाहर निकालो और हल्का सा होल, होल जो है वो थोड़ा सा बड़ा करो, क्योंकि होडल बड़ी है और आपका स्क्रू छोटा है थोड़ा अंदर। हाँ, बिल्कुल सही है। वैसे एक मार्केट से डस्ट ब्लोअर भी आता है, उससे आप इंटरनल जो डस्ट है ना अंदर होल के अंदर, वो भी रिमूव कर सकते हो। नहीं जा रहा अभी भी, बड़ी वाली हैमर दूं, थोड़ा सा अंदर ले, और जब होल करते हो ना थोड़ा घुमाया करो ड्रिल को, ड्रिल को। सारे हुडल इतने बड़े हैं, सारे बड़े हैं, तो होल जितना आप कर रहे हो ना उसके हिसाब से करना। अब अगला साइन इसके साथ, हाँ जितना आप किया इसका मार्किंग कर लेना आप। अंदर गया होल, मेल से भेजिए, ठीक है, आप चेक करो, हम जो क्योंकि सारी भेजते हैं, नहीं नहीं यार क्या करें, मैं भी बाहर था, चलो करो करो, चला गया, पोस्ट पोस्ट करो। जैसे कि दिख रहा होगा इन्होंने अभी सेंटर वाला स्क्रू लगा दिया, और सेंटर का स्क्रू लगाने के बाद ये लेवल कर रहे हैं, लेवल करेंगे थोड़ा सा साइड लेवल करके दिखाना हमें, साइड होके दिखाते हैं हम आपको जैसे लेवल कर रहे हैं। अभी जब ये जीरो पे आएगा तो लेवल होगा। अभी हरी वाली लाइट नहीं जली, हरी लाइट जलेगी, सेट नहीं हुआ अभी वो।
हाँ राइट से ऊपर करो, राइट से बस ये हो गई आपकी पोजीशन, और मार्किंग करो और बाकी के होल करो वहाँ पे। अब हिलना नहीं चाहिए ये, ठीक है, लेवल नीचे भी लगा के देख लो एक बारी। हाँ वेरी गुड, यही 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 पोजीशन कह रहा था मैं, एक बार फिर था दिखाओ। हाँ देखो नीचे ऊपर दोनों तरफ से लेवल करके दिखाना है, लेफ्ट राइट पे भी लगा दो, लेफ्ट पे जहाँ पे वो लॉक होते हैं एसी के, नीचे नीचे नीचे, हाँ इसके ऊपर यहाँ पे बिल्कुल से देखो, यहाँ पे भी लेवल है और उस ऐसे लेफ्ट पे यहाँ पे भी लेवल है, ठीक है। तो सारे जगह से ये अपना लेवल कर गया, तो मतलब आपकी पोजीशन एकदम ठीक हो गई है। आगे का भी देखो कैसे कैसे करते रहते हैं, मार्किंग करो और उसके बाद फिर पंचिंग करेंगे, फिर उसके बाद अपना फाइन मोड पे ड्रिल मशीन चलाएंगे, फिर उसके बाद अपना स्क्रू लगाएंगे, हुडल लगाएंगे, देखते रहो आपको वीडियो में समझ में आता रहेगा किस तरीके से हम स्प्लिट एसी की जो माउंटिंग प्लेट होती है उसको परफेक्ट तरीके के लगाने का क्या प्रोसेस होता है वो आपको बताएंगे। अभी हमने जो ये मिडल वाला स्क्रू लगाया है इसको हमने इतना टाइट किया कि इसकी वर्टिकल प्ले जो है वो ख़त्म कर दी जाए, मतलब इसको जिसको हम माउंटिंग प्लेट जहाँ पर स्टॉप करें ये वहाँ पर स्टॉप हो जाए। ये अभी अभी पंचिंग कर रहे हैं थोड़ा सा, बस थोड़ा सा बस, सारे कर लो ऐसे फाइन पे लेके आओ, पहले फाइन पे सारे कर लो ना, हाँ सारे कर लो ऐसे फाइन पे, ये फायदा होता है वर्टिकल प्ले का। देखो माउंटिंग प्लेट जहाँ पे स्टॉप करी है वहीं पे स्टॉप हो गई, आपको दिख रहा होगा वॉल पे हमने पहले भी कई सारे होल किए हुए हैं, तो हम प्रैक्टिस चलती रहती है, बच्चे अब इंस्टॉल करते रहते हैं। वेरी गुड, बंद होने के बाद ये शिफ्ट करते हैं, ठीक है। ड्रिल मशीन सीधी चलाओ, सीधी, वेरी गुड, और चलती हुई बाहर लेके आनी है, इसमें तो हो गया था, चलो जी अब सारे में हुडल लगाओ, कम से कम एक माउंटेन प्लेट को फिट करने पे आपको कम से कम 8 से 9 स्क्रू और होडल लगाने पड़ते हैं, उससे आपका एकदम बढ़िया तरीके से आपका इंडोर लगेगा, जिसमें कभी भी आने वाले टाइम फ्यूचर पे कभी भी वो लूज़ नहीं होगा। देखो ये पूरी माउंटेन प्लेट जो है हमारी फ़िट हो गई है, साहिन ने माउंटेन प्लेट फिट कर दी, अभी आपको दिखाएगा लेवल कैसे हुआ, दिखाओ भाई, ये इसका देखो लेवल पूरा हो गया एक्यूरेट, और ये पूरी की पूरी टाइट है, एक बढ़िया तरीके से टाइट है, आपको हल्का सा, हाँ बिल्कुल सही बिल्कुल, अंकित जैसे अंकित कर रहा है ना साहिन, ऐसे हल्का सा जोर डाल के देखो इस पर, हाँ यहाँ से यहाँ पे थोड़ा सा नीचे फोर्स करो, लगाओ उस पर, अब हटा दो फोन, ठीक है लेवल हो गया, आप ठीक है ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। साहिन ने बहुत अच्छे तरीके से माउंटिंग बेल्ट लगाई है और इसके समझ में भी आ गया हो किस तरीके से लगानी है, तो आगे हम इंडोर लगाते हैं फिर देखते हैं क्या इसकी पोजीशन है, ठीक है जी ठीक है, 100 में से 100% बहुत बढ़िया। देखो जैसे कि हमने वही माउंटिंग प्लेट पे अपना इंडोर लगा दिया है तो परफेक्ट तरीके से इंडोर हमारा लग चुका है, पूरे स्लोप के साथ बढ़िया तरीके से लगाए, तो इस तरीके से वीडियो से बने रहें, और अगर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज लेनी है एसी फ्रिज वॉशिंग मशीन रिगार्डिंग तो ABC इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें, तब तक के लिए बाय, ओके थैंक यू।